आम चुनाव से पहले बुलंद होने वाला विकास का नारा चुनाव के दौरान दफन सा हो गया। सियासी दल चोर चौकीदार से लेकर मृत नेताओं की कब्र तक में जा घुसे। फिर ये नेता आशा करते हैं कि आम मतदाता घर से निकलें और इन्हें अपने अमूल्य वोट से नवाजें। लेकिन कैसे करें वोट जब आजादी के इतने सालों बाद भी आज तक बुनियादी सुविधा से भी हों महरूम। नाराजगी जायज है तो कर दिया ऐलान, इस बार चुनाव का होगा बहिष्कार। मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का है। बीते 70 सालों से ग्रामीण ग्राम भाटखेड़ी से आख्या दे तक 2 किलोमीटर के मार्ग निर्माण की मांग बुलंद कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि सरकारों के कान में जू रेंग जाती। हालात ये है कि रोड न होने के चलते ग्रामीणों और बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर बरसात में तो यह समस्या पहाड़ जैसी बन जाती है। रोड ना होने के चलते ये क्षेत्र आज भी विकास की दौड़ से दूर है, बहुत दूर। कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी सियासी दल हो, चुनाव के वक्त मुंह दिखाई की रस्म अदायगी की और फिर 5 साल के लिए उड़न छुक। ग्रामीण साफ साफ कहते हैं कि वर्तमान सांसद सुधीर गुप्ता हो या फिर कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन, जब इन नेताओं ने इस गांव का रुख बीते 5 सालों में नहीं किया तो उन्हें वोट अब लेने का अधिकार भी नहीं। भाई हमारी मांग है कि हमें सड़क दे दो, आप हमसे वोट ले लो। आप हम सड़क नहीं दोगे तो हम वोट नहीं करेंगे, ये हमारे गांव का पूरा बात है। जानकारी के तौर पर गांव के चौराहों और अन्य जगहों पर बैनर पोस्टर जड़ दिए गए हैं, जिस पर नेताओं के लिए साफ साफ लिखा है नो रोड नो वोट। डिजिटल युग में रोड जैसी सुविधा भी ना मिले तो शर्मनाक है, और हमारे लिए सवाल भी, जब सरकारें बुनियादी सुविधा देने में ही अक्षम साबित हो रही हों, तो इस देश के संपूर्ण विकास की आशा कैसे की जाए।